रामपुर तहसील स्वार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने हरदासपुर, कोठरा और शिवपुरी ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मोहनपुरा में स्कूल का मिड डे मील व मोहनपुरा की कोटे की दुकान का चेक किया, जिसमें कि कोटे की दुकान में बहुत खामियां पाई गई और कोटे की दुकान का गल्ला भी दो जगहों पर मिला। वहीं 35 से 40 लीटर किरोसिन का कब मिला, जब मजिस्ट्रेट साहब को शक हुआ कि इसमें तेल कम है तो कोटा डीलर से तुरंत खाली करा कर और उसकी जांच शुरू करा दी गई। कोटे की दुकान दो जगह होने के कारण मजिस्ट्रेट ने सख्त नाराजगी जताई और तुरंत निरीक्षक अधिकारी किशन लाल को इस मामले की जांच सौंप दी गई, जिसकी जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट सामने आएगी, उसके आधार पर कांटेदार पर कार्यवाही की जाएगी, जिसके बाद मोहनपुर के स्कूल में मिड डे मील में कमियां पाई गई हैं। वहां के अध्यापकों को फटकार लगाई है और बच्चों को समय पर खाना खिलाने के लिए आदेशित किया गया है। उन्होंने टीचरों को आदेश दिए कि जो भी कमियां हैं उन्हें तुरंत दूर किया जाए। कोटा डीलर देखा हरदासपुर कोटरा में और शिवपुरी में। हरदासपुर कोटरा का स्टॉक लगभग ठीक मिला, लेकिन जो है उसके द्वारा स्टॉक रजिस्टर और बिक्री रजिस्टर में कुछ ओवरराइटिंग की गई हैं और 25 तारीख जिस दिन प्रॉक्सी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बिना मतलब मैनुअल वितरण होता है, उस दिन जो है अंगूठे नहीं लगवाए गए हैं, तो ये संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होती है। पूर्ति निरीक्षक इसकी जाँच कर रहे हैं। वहीं शिवपुरी में जो है जब तेल की जाँच की गई तो कम से कम 35 से 40 लीटर तेल की जो है कमी हमें मिली। इसके अलावा गल्ले जो हैं वो दो जगह पे बनाए गए थे, जबकि गांव की चौहद्दी एक जगह की है, उसी जगह बनाना नियमित है, जबकि उन्होंने दो जगह अपने गल्ले रखे हुए हैं। इससे साफ साफ कालाबाजारी की का अंदेशा होता है। पूर्ति निरीक्षक को वहां लगा दिया गया है, वो अपनी जांच दे रहे हैं स्थलीय जांच करके, और जब उनकी जांच आ जाएगी तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त कई विद्यालय भी देखे हमने, हरदासपुर में, मोहनपुरा में। मोहनपुरा में देखा गया कि बच्चे जो है घर से बर्तन ला रहे थे। टीचरों को निर्देशित किया गया है कि जो थालियां स्कूल में उपलब्ध हैं उन्हें साफ कराकर उनमें ही बच्चे भोजन करें, और इसके अलावा स्कूल में बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो जेई को तत्काल जो है फ़ोन कर निर्देशित किया गया कि बिजली व्यवस्था कराई जाए। प्रधान को भी इसके बारे में सूचित कर दिया गया है, तो निश्चित तय कुछ दिनों में बिजली वहाँ पर पहुँच जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।